उत्तराखंड के सुल्तानपुर पट्टी में एक इस्पात फैक्ट्री में भट्टी के पास काम कर रहे 5 मजदूर झुलस गए, जिससे फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। वहीं आनन-फानन में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। बता दें कि बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी के समीप ग्राम पिपलिया में स्थित उत्तरांचल इस्पात फैक्ट्री में कर्मचारी काम कर रहे थे कि अचानक भट्टी से गर्म तरल पदार्थ 5 कर्मचारियों पर गिर गया, जिससे 5 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। फैक्ट्री में हादसा होने के बाद कर्मचारी और फैक्ट्री प्रबंधन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन-फानन में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा घायलों को उपचार के लिए काशीपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। इस दौरान उत्तरांचल इस्पात फैक्ट्री के उप प्रबंधक विनय चौधरी ने बताया कि गर्म भट्टी में अचानक गीली धातु गिरने से भट्टी के तरल पदार्थ कर्मचारियों पर गिर गए, जिसमें 5 कर्मचारी झुलस गए हैं। उन्होंने बताया कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है और फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा तत्काल घायलों का उपचार कराया गया है। वहीं जब इस मामले में सुल्तानपुर पट्टी चौकी इंचार्ज अर्जुन गोस्वामी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना की भी कोई जानकारी उन्हें नहीं प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि तहरीर के बाद अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये बोल रहे हैं विजय, इस घटना के बारे में कोई हाँ, पता मैं नहीं बोल रहा है। हूँ आराम से, मुझे इस हाँ, घटना के बारे में कोई आराम से जानकारी नहीं। तसल्ली से खड़े होकर बोलिए। हाँ बिल्कुल बोल रहा ठीक हूँ, ठीक तुम क्यों चिंता कर रहे हो इस बात बस बस बस। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।